नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बना उत्सवी माहौल। बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट बदले। अगले दो दिन सूबे में दिखेगा बारिश का कम असर। पटना में इस बार दुर्गा पूजा पंडाल बनाने पर नहीं लगेगी रोक। गंगा के बाद गंडक नदी ने मचाई तबाही। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव सा बना माहौल। देश भर में आज हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। इसे लेकर घर बाजार और तमाम कृष्ण मंदिरों में उत्सव सा माहौल बना हुआ है। विभिन्न राधा कृष्ण के मंदिरों को लाइट्स और सजावटी सामानों से सजाया जा रहा है। तो वहीं कई बाजारों में भी आज रात होने वाले जन्मोत्सव को लेकर लोग तरह तरह के पूजा पाठ के सामान खरीदते नजर आए। आज के दिन शाम से ही मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भजन गीत गाए जाते हैं। बच्चों को राधा कृष्ण बनाकर तैयार किया जा रहा है। तो वहीं मध्य रात्रि में नन्हे बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनेगा। बताते चले कि रात के 11:59 से लेकर करीब रात के 2 बजे तक भगवान के जन्म का शुभ मुहूर्त है। वही जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी देश व राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है। बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट बदले। पश्चिम मध्य रेलवे के देवग्राम और मजौली स्टेशनों के बीच दोहरीकरण का काम में नॉन इंटरलॉकिंग का काम होने वाला है, जिसे लेकर इस रूट से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं जो बिहार से होकर भी गुजरते थे। इसके कारण हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस अप और डाउन में बदले हुए मार्ग पर 1 और 8 सितम्बर को धनबाद DDU प्रयागराज शिवकी मानिकपुर कटनी मुरवरा होकर चलेगी। तो वहीं अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस अप और डाउन में 4 सितम्बर को कटनी मुड़वारा मानिकपुर प्रयागराज शिवकी DDU धनबाद होकर चलेगी। साथ ही साथ मंदार जंक्शन कोलकाता एक्सप्रेस भी अप और डाउन में इसी रूट से होकर चलेगी। अगले 2 दिन सूबे में दिखेगा बारिश का कम असर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग ने सूबे के मौसमी हालातों पर पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत उत्तर बिहार के कई जिलों में 1 सितंबर तक बारिश की सक्रियता कम रहेगी। इस दौरान 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बेगूसराय, समस्तीपुर एवं वैशाली जिले में पछिया हवा तथा अन्य जिलों में पूर्वा हवा चलने की संभावना बनी है। वहीं अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। पटना में इस बार दुर्गा पूजा पंडाल बनाने पर नहीं लगेगी रोक। कोरोना महामारी की दूसरी लहर थमने के बाद बिहार में हर चीजें सामान्य रूप से संचालित होने लगी है। अनलॉक 6 में मंदिरों को खोलने के बाद आने वाले त्योहारों को लेकर तैयारियां भी हो रही है। इसे लेकर राजधानी पटना में इस बार दुर्गा पूजा में पंडाल बनाने से रोक को हटा लिया गया है। पटना जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक दुर्गा पूजा पर पंडाल के साथ ही साथ मूर्तियां भी स्थापित हो सकेंगी। हालांकि पूजा समिति को पंडाल और मूर्ति के लिए जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करवाने की शर्त भी रखे जाएंगे। पूजा के दौरान लोगों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की शर्तें भी लागू रहेंगे। इन आदेशों को जारी करते हुए पटना के DM ने कहा कि पूजा को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा। नन्हे अयान्स के रोहतास पहुंचते ही उमड़ी भीड़। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 11 महीने का अयान्स बीते दिन अपने दादा के घर रोहतास जिले के डेहरी प्रखंड के पतवा गांव में पहुंचा, जहां उसको देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान अयान्स अपनी मां के साथ पहुंचा है, जबकि अयान्स के पिता अभी जेल में बंद है। इस दौरान अयान्स की मां ने बताया कि क्राउड फंडिंग की मदद से लगभग 8 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। बाकी के रकम के लिए गांव के लोग भी अब आगे आ रहे हैं। साथ ही अब क्राउड फंडिंग को और तेज करने की मुहिम शुरू की जा रही है, जिससे कि समय रहते अयान्स को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगाया जा सके। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच को लेकर बढ़ी सख्ती। बिहार में अनलॉक 6 में सभी चीजों को सामान्य रूप से खोल दिया गया है। हालांकि तीसरी लहर की संभावना अभी भी बनी हुई है, जिसके मद्देनजर दूसरे राज्यों से आने वाले और बाहर जाने वाले यात्रियों पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। इसे लेकर पटना एयरपोर्ट पर खासकर यात्रियों की रैंडम जांच की जा रही है। एयरपोर्ट के आगमन एरिया में स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की गई है। साथ ही साथ बिहार से बाहर जाने वाले यात्रियों को सख्ती के साथ निर्देश दिया गया है कि वे विभिन्न राज्यों में सफर करते समय वहां के कोविड नियमों को अच्छे से जान ले। साथ ही बिना मास्क लगाए यात्रियों को परिसर में आने जाने की इजाजत पर भी रोक लगी है। ललन सिंह ने जदयू की मजबूती का दिया सबूत। बीते दिन जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी लगे पोस्टर पर विपक्षी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर जदयू में गुटबाजी होने की बात कही। इस बैठक के बैनर में सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगी थी, जिसके बाद राजद ने सामान्य शिष्टाचार और प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बैनरों में जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई जगह नहीं दी गई है, जिसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खुद ही इन बातों का खंडन किया है।
है। उन्होंने कहा कि जदयू में केवल एक ही गुट है और वह है नीतीश कुमार। साथ ही उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सम्मान है। गंगा के बाद गंडक ने मचाई तबाही। बिहार में कई जगहों पर लगातार बारिश से बाढ़ का कहर जारी है। पहाड़ी नदियों में फिर से आए उफान की वजह से अब नए इलाकों में भी पानी फैल रहे हैं। बीते दिन रविवार को नेपाल से फिर 3.14 लाख क्यूसेक पानी को गंडक बराज में छोड़ा गया, जिससे पानी का डिस्चार्ज लेवल बढ़ने के कारण बाढ़ प्रभावित गोपालगंज जिले के 6 प्रखंडों के निचले इलाके के बाढ़सट गांव की स्थिति और बिगड़ने की संभावना बन गई है। वहीं पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और बगहा आदि जिलों में बड़ी आबादी गंडक नदी के बाढ़ से जूझ रही है, तो वहीं सारण जिले में भी गंडक की बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। पानापुर, तरैया, मशरक, मकेर, परसा, छपरा सदर, रिविलगंज, दिगवारा, गड़खा, दरियापुर, अमनौर व सोनपुर प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनने की बात को कहा फालतू। जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बीते दिन फिर से पीएम मटेरियल पर बात छिड़ी, लेकिन मीडिया के सामने एक बार फिर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि उन्हें देश की सियासत संभालने में रुचि नहीं है, बल्कि वे बिहार के मुख्यमंत्री रहकर ही लोगों की सेवा करना चाहते हैं। दरअसल बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह प्रस्ताव दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं है, लेकिन उनमें प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यता है, जिसे सर्वसम्मति से राष्ट्रीय परिषद ने पास किया। कि मीटिंग से निकलने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पीएम मटेरियल की बातें फालतू है। जाप सुप्रीमो के बिना ही मनेगा पार्टी का स्थापना दिवस। कल यानी कि मंगलवार को जन अधिकार पार्टी के स्थापना के 6 साल पूरे होने वाले हैं। इसे लेकर समारोह का आयोजन होगा। हालांकि पहली बार इस आयोजन में पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव शामिल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि 32 साल पुराने एक अपहरण केस में बीते 11 मई से ही पप्पू यादव जेल की सजा काट रहे हैं। हालांकि बीमार होने की वजह से वे डीएमसीएच में अपना इलाज करवा रहे हैं। इस दौरान पार्टी नेताओं द्वारा जाप सुप्रीमो की कमी को दूर करने के लिए शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। पार्टी के पदाधिकारी स्थापना दिवस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। तेज प्रताप के पोस्टर ने आपसी सुलह की जगाई उम्मीदें। राजद में आंतरिक कलह अभी थमा नहीं है, लेकिन लालू परिवार के सदस्यों के क्रियाकलापों से ऐसा लग रहा है कि पार्टी के आंतरिक मतभेद जल्द ही समाप्त हो सकते हैं। दरअसल रविवार बीते शाम पटना की सड़कों पर राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की बड़ी सी तस्वीर वाली बड़े बड़े कई पोस्टर लगे देखे। इस पोस्टर में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी के साथ ही तेजस्वी यादव की भी तस्वीरें थी। साथ में तेज प्रताप यादव के नाम जन्माष्टमी का संदेश भी था। इन पोस्टरों से कयास लग रहे हैं कि तेज प्रताप परिवार की आंतरिक कलह को दूर करना चाहते हैं। हालांकि पोस्टर में उन्हें प्रमुख चेहरे के तौर पर दिखाया गया। केसी त्यागी ने अब नरेंद्र मोदी को बताया प्रधानमंत्री के लिए बेस्ट। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बीते दिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए योग्य बता रहे थे, तो वहीं बैठक के अगले दिन ही आज अब उनके सुर बदल गए हैं और अब वो पीएम नरेंद्र मोदी को ही आगे भी पीएम के रूप में योग्य कैंडिडेट बताने लगे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान जदयू महासचिव केसी त्यागी ने सफाई देते हुए कहा कि इस पर कोई लड़ाई नहीं है, 2024 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी को मुख्यमंत्री ने दी बधाई। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिल गया है। भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में गोल्ड मेडल जीतकर ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी होने का इतिहास रच दिया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अवनी लेखरा को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा कि 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में भारत की अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी कड़ी मेहनत, जुनून और दृढ़ संकल्प ने ही आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है, जिस पर पूरा देश आज गौरवान्वित है। चिराग गुट के दो बड़े चेहरे बीजेपी में हुए शामिल। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। बीजेपी ने एक बार फिर से चिराग पासवान को झटका दिया है। लोजपा चिराग गुट के दो बड़े चेहरों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके तहत बीते दिन अपने समर्थकों के साथ पूर्व सांसद वीरेंद्र चौधरी एवं पूर्व LJP प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान समारोह में सबका साथ सबका विकास का नारा गूंजा। बताते चले कि पूर्व सांसद
वीरेंद्र चौधरी की बीजेपी सदस्यता ग्रहण करने को उनकी घर वापसी बताई जा रही है, क्योंकि वे पहले भाजपा के सांसद और विधान परिषद के उपसभापति भी रह चुके हैं। क्रिकेट की जगह इस खेल में धोनी का दिखा अलग अंदाज। क्रिकेट जगत में दुनिया भर में फेमस भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्लेबाजी कौशल से सबको अपना फैन बना लिया, लेकिन यूएई में आईपीएल शुरू होने से पहले धोनी का फुटबॉल खेलने वाला अंदाज इन दिनों वायरल हो रहा है, जिससे एक बार फिर धोनी ने फैंस का दिल जीत लिया है। हाल ही में सीएसके ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान फुटबॉल को किक मारने के लिए तैयार एमएस धोनी की एक तस्वीर पोस्ट की। पूर्व चैंपियन ने पुर्तगाली फुटबॉल मेगा स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी विशेष उल्लेख किया और साथ ही साथ कहा कि कैप्टन कूल उनकी टीम के CR7 है। सीएसके ने तस्वीर में साथ में कैप्शन में लिखा कि ये है हमारे CR7। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की तरफ से राहत के काम किए जा रहे हैं या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।